नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरजीत यादव फिर एक बार हाजिर हूँ नई वीडियो लेके, बाइनरी डिवीजन। तो गाइस, आपको पता होगा मैंने इससे पहले बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की वीडियो डाल चुकी है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बाइनरी डिवीजन से पहले इसमें हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन तीनों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे हम सेम डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें जो कोई भी संख्या लिखी उससे पहले जीरो का हमें कोई अर्थ नहीं है, तो हम काट सकते हैं। अब देखो दोस्तों, वन 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 है हमारे पास, जो वन 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 से डिवाइड करना है तो हम वन टाइम्स ले जाएंगे वन वन वन। अब माइनस कर देंगे, वन माइनस वन गया जीरो, वन माइनस वन गया जीरो, वन माइनस वन गया जीरो। और जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बता बचा तो हम क्या कर, सीधे वन यहाँ बगल में, क्योंकि हमारे पास ही कैरी बचा तो हम जीरो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा 10। ये दोस्तों इसको हमें चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। वन 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 का मान होता है 7, वन 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 जीरो की वैल्यू जो होती है 14, और जो हमारे पास लास्ट में आया वन जीरो इसकी वैल्यू होती है 2। तो यदि हम दोस्तों देखें 14 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 2 आता है। अब जो 2 आता है दोस्तों, और 2 किसके डेसिमल किसके बाइनरी के बराबर होता है, वन जीरो के। तो दोस्तों इसका मतलब है ये हमारा आंसर सही है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अगला एग्जाम्पल है वन 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 वन, 5 टाइम्स 1 0 0, इसको डिवाइड करना है 1 0 से। तो दोस्तों हम इसको कितनी बार जाएगा, 1 बार ले जाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 1 0, माइनस कर देते हैं, माइनस करने वन वन माइनस जीरो वन आ जाएगा, वन वन जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, तो केवल साइड में हूँ एक ही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 1। अब इसमें देखते हैं कितनी बार जाएगा 1 0 की टेबल, तो यहाँ हम लिखते हैं फिर 1 बार ले जाते हैं 1 0, फिर माइनस करते हैं 1 माइनस 0 1 1 1 0, फिर हम इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर 1 1 टाइम्स जाएगा 1 0, फिर माइनस करते हैं दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, फिर इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो हो जाए फिर 1 टाइम्स जाएगा 1 0, फिर माइनस करते हैं यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो फिर लास्ट टाइम हम यहाँ 1 को पुट करते हैं, उसके बाद फिर 1 टाइम्स ले जाते हैं 1 0, फिर माइनस करते हैं 1, यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 1 माइनस 0 बचेगा। फिर यहाँ के हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने के बाद इस वाले को फिर 1 टाइम्स जाएगा 1 0, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। लेकिन दोस्तों अब देखो हमारे पास बचा क्या, यहाँ क्या बचा है, 1 0 बचा है। तो इसको अब हम यहीं बगल में लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया वन 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 0। तो दोस्तों इसको भी यदि हम चेक करना चाहें तो यदि हमारे पास लंबी टेबल हो तो हम आराम से चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यदि समझ में ना आए कुछ भी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।